लड़की ज्यादा धोखा देती है। आजकल तो देखते हैं कि 5 बच्चे की माँ भी भाग जाती है, 4 बच्चे को लेके सीमा हैदर पाकिस्तान से आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। शादी के बाद प्यार, लव, बॉयफ्रेंड रखना, ये सब गलत है। लेकिन हाँ, शादी से पहले अगर एक लड़का लड़की प्यार करता है तो वो एक पवित्र रिश्ता होता है, और लेकिन शादी के बाद अगर यही चीज होता है तो रिश्ता पवित्र थोड़ी होता है, तो गलत चीज होता है ना। अच्छा, लड़कियां क्यों धोखा देती है लड़कों आजकल के जमाने में तो मतलब इसलिए धोखा देती है क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया। हमको को? जहां तक लगता है कि पैसे के लिए, जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए हम ही है, हमको इतना चीज का जैसे एक प्रॉब्लम होता था, चाहते तो हम भी धोखा दे सकते थे, लेकिन नहीं, ये चीज गलत है। सब कुछ वही चीज थोड़ी है, लाइफ में प्यार भी तो रहना जरूरी है ना। मान के चलिए सामने वाला का आपको प्रॉब्लम भी तो समझना होगा ना। आजकल के जमाने में जल्दी किसी को नौकरी नहीं मिलता है, लोग बेरोजगार होते हैं। उस बेरोजगार से सोचा ना कि कहीं ना कहीं हम अच्छा कमा रहे हैं, अच्छे से रह रहे, चाहे जितना भी हो, तो उसके वजह से लड़कियां धोखा दे देती है। और शादी से पहले तो यही कहती कि पापा नहीं मानेंगे, और जैसे पापा जॉब वाला से करवा देता है क्योंकि लड़का को जल्दी नौकरी मिलता नहीं है, तो जॉब वाला से करवा देते तो लड़की भी क्या करेगी। अच्छा, किस तरह का वीडियो आप बनाती हैं? रील्स किस तरह का बनाती हैं या ब्लॉग किस तरह का बनाती ब्लॉग में तो हम डेली का लाइफ दिखाते हैं, जो हैं? मतलब मेरा जर्नी है, कैसे खाते हैं पीते, कैसे रहते हैं, लव मैरिज के बाद कैसी हमारी लाइफ है, ये दिखाते हैं। और रील्स सब तरह का हम शूट करते हैं, हाँ, जैसे छठ का हो, नवरात्रि अच्छा का हो। डांस भी करते हैं क्या? हाँ, डांस भी करते हैं। डांस भी करते हैं। अच्छा, हाँ, डांस कब सीखी आप? डांस तो मेरा बचपन से ही शौक था, इसमें मेरे अच्छा, पापा भी सपोर्ट करते थे। हाँ और उस टाइम से हम डांस में, गांव से निकले, जिस टाइम में हमारे गांव की कोई लड़की डांस नहीं करती थी, हाँ उस तब समय से हम हाँ डांस करते हैं। हमें शौक भी था, और डांस करके कभी कभी वीडियो बनाते हैं क्योंकि हमारी बेटी है तो परेशान करती है, लेकिन हमें डांस करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ लोग डांस को बुरी नजर से देखते हैं, बोलते हैं कि ये डांसर है, नचनिया है, ऐसे वैसे। देख, ये चीज तो गलत है ना। डांसर, आप वही चीज को आप टीवी में, फिल्म में देखते हो तो वो बहुत ही यहीं ज्यादा पे अच्छा लगता खेसारी है। लाल अक्षरा सिंह आ जाए तो फोटो लेने जाएंगे सभी हाँ, लोग। ये फोटो लेने जाएंगे। ये चीज हम अपने हस्बैंड को भी मतलब नाइट में बोल देते हैं कि देखिए आप मतलब हम वीडियो बनाते, मेरे कुछ रिश्तेदार बोल दिए थे कि वीडियो बनाती है, और उन्हीं रिश्तेदार के हम द्वारा देखते हैं कि उनके गांव में अगर कोई मतलब सिंगर चले गए या कोई डांसर चले गए तो उनके साथ जाएंगे फोटो खिंचाने। यहाँ तक कि ऑर्केस्ट्रा में लड़की डांस कर रही है, उसका भी उसके साथ वीडियो शूट कर लेंगे, स्टेटस में लगा लेंगे, उनको गर्व महसूस होगा। क्या रुपया देंगे? हाँ, रुपया देंगे, गर्व महसूस होगा। वही अपने घर की लड़की है, उनके साथ ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है तो उनको बुरा लगता है, लेकिन ये चीज गलत है। उनसे कई गुना बेटर तो हम अच्छा काम करते हैं ना, या फिर आपके ही फैमिली के लोग। लेकिन लड़कियों को भी हद में रह के करना चाहिए, अश्लील गानों पे नहीं बनाना चाहिए। जी, ये बात तो है, हद में ही रह के करना चाहिए। आजकल के जमाने में वायरल होने के लिए लोग क्या नहीं करते, छोटे कपड़े पहन लेते हैं, कुछ भी मतलब होता है कि किसी भी तरह का। अश्लील भी बहुत सारा ऐसा कपल है जो बनाते हैं, लेकिन ये चीज गलत है, अश्लील नहीं बनाना चाहिए। कुछ चीजें पर्दे के पीछे होती है, कुछ चीजें पर्दे के बाहर होती है, तो अपने दायरे में ही रख के कुछ भी चीज करना चाहिए। अच्छा, और सारे लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो लव मैरिज करना चाहते हैं या कर चुके हैं, उनको क्या कहिएगा? हम तो उनको यही कहेंगे कि सबसे पहले कैरियर आप देखिए, क्योंकि कैरियर है तो प्यार है, सब कुछ है। जैसे कि हम तो मान के चले, हमको नहीं, हम अपने आप को ये नहीं कहते कि हम बहुत हिम्मत वाले हैं, लेकिन देखिए सरकारी नौकरी में अब होता है कि कोई मतलब रहता है कि बहुत बड़े पोस्ट पे रहता है, जैसे नॉर्मली होता है ना 10,000, 12,000, 15,000 भी देता है, तो उस हिसाब से हमारी अर्निंग हो जाती है। हाँ, महीने की? नहीं, महीने, हाँ महीने की, 2 महीने हाँ, की हो जाती है उस हिसाब अच्छा से। अच्छा आपके पति भी ब्लॉग बनाते हैं? नहीं, कभी कभी वो आ जाते हैं, जैसे कि अगर वो टाइम हो तो कभी कभी आ जाते हैं, नहीं तो हम अपना अकेले अच्छा, ही। ब्लॉग देखकर घर के लोग आप कुछ बोलते होंगे कि नहीं पहले के मुकाबले? देखिए घर के लोग क्या बोलेंगे, घर के लोग तो बोलेंगे ही ना, क्योंकि उनको इस चीज के बारे में पता नहीं है, तो क्या बोलेंगे। देख सकते हैं, ये खुशबू जी है जो लव मैरिज, शादी की, प्यार की, उसके बाद से आज वीडियो बनाती है, कंटेंट क्रिएटर बन गई और कुछ रुपए अर्जित करती है। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए और इनको भी सपोर्ट कीजिए। अच्छा, कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं लोग? इंस्टाग्राम के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है खुशबूप्रिया07। अब वैसे तो हम सब जगह है, यूट्यूब पे है खुशबू संतोष मेरा चैनल है, और फेसबुक पे है, तो वहां से कमेंट के जरिए हम कमेंट का रिप्लाई देते हैं। एक होता है, आगे तो हम यही चाहते हैं कि लोग हमको सपोर्ट करें। अब मेरा ये ड्रीम है कि जैसे कि हम लोगों की मदद करे, जैसे कि बहुत सारे लोग को देखते हैं कि YouTube Facebook से कमाते हैं, और कल को खाने को नहीं था, आज चार बंगला बना लिए, गाड़ी ले लिए, तो हमारा ड्रीम ये नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारे पास जब उतना हो जाएगा ना, तो हम लोग का मदद करेंगे, हमारी जितनी औकात है हम उसी औकात में रहेंगे, लेकिन हमारे अगर औकात से बाहर अगर हमको कुछ मिल रहा है तो हम लोग की मदद करेंगे। अच्छा, हमारा ये सपना है ना, उसी सपना को पूरा करने में लगे हैं, ना कि खुद के लिए घर बंगला गाड़ी खरीदने में, अच्छा क्योंकि हमें शुरू से ही शौक था। और
ये चीज कहीं ना कहीं हम ये काम कर भी चुके हैं पहले भी, हमसे जितना होता था लोग की मदद करते थे, अभी भी करते हैं, अभी भी मतलब होता है तो किसी को देखते हैं किसी का बच्चा रो रहा है तो अपने पैसे से खरीद के दे देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा भगवान हमारे साथ ऐसा ही मतलब सपोर्ट करते रहे जो हम दूसरे को सपोर्ट करे, ना कि हम खुद का घर बंगला बनाए, मेरा ये सोच है। अच्छा अंत में लोगों से क्या कहिएगा? लोगों को तो यही कहेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा जो ये सपना है हम ये सपना को पूरा कर सके। और बाकी रही लव मैरिज की, तो हम तो यही कहेंगे कि हमें देख करके इम्प्रेस हो करके कि लव मैरिज करके वीडियो बनाने मत आ जाना, क्योंकि हर चीज में हर कोई को ये नहीं हो जाता है बहुत। हाँ नहीं, सक्सेस का बात नहीं है, बहुत सारा देखते हैं कि यूट्यूब पे ब्लॉगर है, लव मैरिज कपल है, लव मैरिज कर लिए हैं, वीडियो बना के दिखा रहा है, बहुत सारा ऐसा कपल है जो घर से भागी हो जाते हैं उसको देख के, वीडियो भी उनके फैमिली वाले नहीं बनाने देते हैं, क्योंकि सबका फैमिली वाला एक तरह से नहीं होता ना, सबका जिद एक तरह से नहीं ना होता है, सबके हस्बैंड सपोर्ट नहीं ना करते। लव मैरिज करना भी गलत है। हाँ लव मैरिज करना भी गलत है कि सबसे पहले घर से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ बाप का भी कुछ सपना होता है। मेरा तो अदर कास्ट था और वैसे हम घर से भागे भी तो मतलब एक तरीका से भागे, जैसे जॉब करते थे, शादी कर लिए, मम्मी पापा को बता दिए। अब कोई लड़की है जो घर में कैद रहती है जन्म से लेकर के और 17-18 साल तक घर में ही रहती है, कभी बाहर निकली नहीं है, अगर वो बेटी माँ बाप की भाग जाए तो माँ बाप को ज्यादा तकलीफ होता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं था, हम बाहर निकले हुए थे, बाहर में रहते थे तो उतना मेरे मम्मी पापा को फर्क नहीं पड़ा। रहती थी अपने ही मतलब डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, सुपौल जिला में ही रहते थे, किसी स्कूल में जॉब करते थे। हाँ तो हमारे फैमिली वाले को उतना नहीं मतलब ये फर्क पड़ा, लेकिन जो बेटी है जो घर में रहेगी 18 साल तक और उनकी बेटी अगर भाग जाए तो उन फैमिली वाले पे ज्यादा फर्क पड़ता है। यानी आप भी ऐसे 18 साल के प्यार को भूलकर 4 साल के प्यार के झांसे में आ गई? ये तो है कि प्यार के झांसे में आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है कि चलो प्यार किए शादी कर लिए तो ये चीज हमारे कम से कम किसी को धोखा तो नहीं दिए, किसी को मरवाए तो नहीं, ये चीज हमें अच्छा लगता है। देखिए और शेयर कीजिए और जितना हो सके इनको भी सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।